ही गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये वाला मेकअप लुक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इसको बिल्कुल भी मत करना। और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग ये वाला मेकअप लुक करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और आप लोग भी ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो घर में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़ किया हुआ है गुड वाइब्स का हनी ग्लो टोनर, जो कि काफ़ी अच्छा टोनर है। हमारी पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। और मेकअप से पहले टोनर ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो है, अप्लाई करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसे लगा लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ये सीरम, जो कि गुड वाइब्स का मलबेरी टोन सीरम है। ये विटामिन सी एंड विटामिन B3 है इसमें, और स्किन ग्लो सीरम है। और ये मतलब फेस पर लगाने से काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। और इसे हल्का डैप डैप करके लगा लेना है, रगड़ना नहीं है। कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने जितने भी यूज़ किया है यहाँ पे, वो फेस पे हमारे मतलब रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का डैप डैप करके ही लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। और उसके बाद जो है, यहाँ पे यूज़ करूँगी सनस्क्रीन, और ये है गुड वाइब्स का सनस्क्रीन है। और ये SPF 30 है इसमें, PA++ है, काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है। और हमें धूप में जाना है तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। और हमारी ये मतलब सनस्क्रीन हमारे फेस को काफ़ी अच्छे मतलब धूप से प्रोटेक्ट करता है ये। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको भी लगा लिया है, और इसे भी हल्के हल्के हाथों से ही लगाना है। और आप लोग को लग रहा हो कि मैंने मतलब मैं ज़्यादा रगड़ रही हूँ, बट ज़्यादा रगड़ा है नहीं है, मैंने हल्के हाथ से ही लगाया है। और यहाँ पे मैंने फास्ट कर दिया, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको भी नेक, और जो भी प्रोडक्ट लगाना है फेस पर उसको नेक पर भी ज़रूर अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि है गुड वाइब्स प्लस का एलोवेरा विटामिन ई है इसमें। और ये एंटी एजिंग लोशन है, ये नाइट लोशन है, बट ये डे में भी काम करता है। और उसके बाद इसको ही मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है, और इसको मतलब इसको भी डैब डैब करके ही लगा लेना है। और मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमारे फेस को ये काफ़ी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर सके, और हमारा मेकअप जो है लंबे टाइम तक टिका रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है NYB का प्राइमर है, ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। ये मिनिमाइज ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, स्मूथ करता है स्किन को, और ये फेबलेस लुक देता है। और ये हाइड्रेट इन नेचर है, और ब्लेंड लाइक ए ड्रीम, मतलब बहुत इसमें बहुत अच्छा ये प्राइमर है। ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है, और हमारे फेस पे बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं लगता है। और फाउंडेशन लगाने से पहले हमें प्राइमर जरूर लगा लेना चाहिए, ताकि हमारे जो मतलब फाउंडेशन या क्रीम कोई लगाए तो वो कैकी ना दिखे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, यूज़ किया हुआ है फाउंडेशन, जो कि है लैक्मे का फाउंडेशन है ये। और ये हमारी स्किन टोन से मैच है, और आपकी जैसी स्किन हो और उसी स्किन की मैच से आप अपने स्किन टोन के मैच से ही लेना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। और देख सकते हो आप कितने ईजिली तरीके से ब्लेंड हो रहा है। और ब्यूटी ब्लेंडर को हमें पहले पानी से गीला कर लेना है, उसके बाद हमें इसको पानी से हाथ से निचोड़ लेना है, ताकि इसका सारा पानी जो बाहर निकल जाए। और उसके बाद जो है, हमें इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और आप देख सकते हो कितने ईजिली ये ब्लेंड हो भी जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छा था ये मतलब सॉरी फाउंडेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो कि लोटस का कंसीलर है। और ये मेरे पास दो कंसीलर है, एक एडीएस का है, एक लोटस का है, बट मुझे लोटस का ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है हस्बैंड आ गए थे, तो वो मतलब कुछ कह रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको जहाँ जहाँ पर डार्क सर्कल होते हैं वहाँ पर लगा के कंसीलर को, उसके बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर की उससे भी हेल्प मतलब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैब डैब करके लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं ये कॉम्पैक्ट, जो कि है कलर गर्ल का, 2-in-1 है इसमें, और एक चिंकी पार्टिकल्स वाले हैं और एक अच्छे वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद जो है हमें कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे मेकअप मतलब जो है फाउंडेशन हमने जो लगाया है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाए, और बिल्कुल ही लॉन्ग लास्टिंग करे और लंबे टाइम तक टिका रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी आईब्रो सेट करूँगी, और ये मैंने आईब्रो पेंसिल से ही किया हुआ है। और मैंने इस आईब्रो पेंसिल को इतना यूज़ किया है ताकि ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब लोग इससे मुझे पेंसिल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं लगाने में, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश लेके इसको अच्छी तरीके से मैंने आईब्रो को सेट कर लिया है, और सेकंड वाले आईब्रो को भी मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है सेम तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जो कि ये ब्लू हिवन का है, बट ये लिप बाम की तरह यूज़ करता है, ये काम करता है वर्क। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है आई शेडो पैलेट, जो कि हिलारी रोडा का है ये।
और उसमें से मैंने अपने ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन कलर पिक किया है और यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो है क्योंकि मेरी साड़ी जो है ग्रीन कलर का ही है तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है। और इसको इसमें एक छोटा सा ब्रश मिल जाता है जिसकी हेल्प से हमें इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है और जितनी ब्लेंड करोगे ना उतना ही अच्छा मतलब आई शेडो उभर के आता है, मतलब कलर इसका कम बहुत अच्छा लगता है। और इसे ब्लेंडिंग में प्रॉपर ख्याल रखना है और इसको जो है मैं खाली ग्रीन ही यूज़ करूँगी और यहाँ पे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। और उसके बाद सेम इसी तरीके से दूसरे आइस पे भी लगा लेने हैं और अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखो मैंने दोनों आइस पे जो है अच्छी तरीके से लगा लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ काजल जो कि है लैक्मे आइकॉनिक का काजल है ये। उसके बाद इसको हल्के हल्के मतलब ज़्यादा मोटा नहीं करूँगी, पतला सा ही लाइन ड्रॉ करूँगी। और इसके बाद जो यहाँ पे मैंने काजल लगा लिया है, उसके बाद यहाँ पे बारी आती है लाइनर की। तो मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये पता नहीं कौन सा लाइनर है और मैं भूल गई हूँ इसका नाम। और ये ऑफलाइन है और जो जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है जो जो ऑनलाइन होगा उसका मैं इसका लिंक दे दूँगी यहाँ पर। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर मैंने लगा लिया है लाइनर, सॉरी मेरे गले को इग्नोर करना क्योंकि बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। लाइनर लगाने के बाद ऑफ कैमरा मैंने लाइनर लगा ली क्योंकि मुझे मतलब सामने से अच्छे से नहीं लग पा रहा था, ऑफ कैमरा मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर जो कि इसी पैलेट में आ जाता है हाइलाइटर, और थोड़ा थोड़ा से ही लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। और मैंने ब्लश यहाँ पर स्किप किया हुआ है और बाद में यहाँ पर मस्कारा में लगाना भूल गई थी, मैंने ऑफ कैमरा लगा लिया था और यहाँ पर मैं भूल गई थी लगाना। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक जो कि है मिस रोज़ का ही है और हाँ मिस रोज़ का ही है। और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है, ये अच्छी लिपस्टिक है और ये देख सकते हो मैट फिनिश है ये। और उसके बाद यहाँ पे लगा लेना है छोटू सा बिंदी और ये मेरा मेकअप डन होता है। और उसके बाद चलो मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक और कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग चाहते हो कि अलग इजिली घर बैठे मेकअप लुक अच्छा सा कर सके तो मेरी भी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ही देखना है। और ये देखो मैंने कितना अच्छा मेकअप लुक किया, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा मेकअप लुक किया हुआ है। उसके बाद जो है ये मेरा फाइनल लुक है, मैंने ज्वेलरी वगैरह पहन लिया और चूड़ा तो मैंने पहले ही डाल लिया है और मैं लेट भी हो रही थी तो मैंने, और यहाँ पर जो है मैंने अभी नेल पेंट वगैरह भी नहीं लगाया और थोड़ी सी मेरी मस्ती चल रही है क्योंकि मुझे पोज देना आता नहीं है तो बट मैं ऐसे ही क्लोजअप से दिखा रही हूँ आप लोग को मेकअप। और मुझे आई मेकअप बड़ा सुंदर लग रहा था आप लोग को। और ये मेरी मेहंदी कैसी लग रही है भी ज़रूर बताना है। तो चलो अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ साड़ी से लेके। और ये रहा मेरा फाइनल लुक और अभी नीचे से अभी आपको ऊपर तक दिखेगा मेरा फाइनल लुक किस तरीके से था। और मैंने ये वाली साड़ी वियर की हुई जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में देख ही लिया हुआ, मतलब वट सावित्री पूजा वाला ब्लॉग। तो चलो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नए से अच्छे से वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल पर न्यू तो से प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।